हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपने सोशल मीडिया लिंक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स का मतलब होता है आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक, उसे आप यूट्यूब चैनल पे कैसे ऐड कर सकते हैं। इन सबको ऐड करने से क्या होता है कि जब भी कोई आपके चैनल पे आपकी वीडियो देखता है और उसे वीडियो अच्छी लगती है तो वो आपके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है इन लिंक्स पे क्लिक करके। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। उसमें भी आपको ऐसे ही क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और उसे डेस्कटॉप सेट में कन्वर्ट करके इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है www.youtube.com, एंटर कर देना है और आपको अपने चैनल पे लॉग इन कर लेना है जो भी आपका चैनल है उसके अंदर। उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। उसके बाद आपको राइट कॉर्नर में इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाना है। यहाँ से आप डायरेक्ट अपने यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो के अंदर पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे आके कस्टमाइजेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आपको देख सकते हैं, यहाँ लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो है। आपको बेसिक इन्फो वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 लिंक ऐड किए हुए हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के। आप भी इसी तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे जो ये ऐड लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने टाइटल का नाम दे देना है लिंक के, कि अगर आप इंस्टाग्राम का लगा रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख देना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम। और उसके बाद आपको URL कैसे लेना है मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। आपको नया टैब ओपन करना है, उसके बाद आपको लिखना है www.instagram.com, उसके बाद आपको स्लैश डालना है और अपना यूज़र नेम यहाँ पे डाल देना है। जैसे मेरा यूज़र नेम जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल यहाँ पे खुल चुकी है। तो हमें इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप ट्विटर का लिंक जब ऐड करेंगे तो वहाँ पे भी www.twitter.com लिखेंगे, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्लैश देके अपना यूज़र नेम डालेंगे जैसे मैंने इसमें यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे आप इस लिंक को मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं अगर नए टैब में इसे पेस्ट करता हूँ तो इसे एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी प्रोफाइल खुल गई है आपके सामने ट्विटर की। तो जो आपका यूज़र नेम है ये देख सकते हैं आप, @ यूज़र नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही आपको यहाँ पे डाल देना है उस वेबसाइट के आगे। तो ये ट्विटर का ऐसे ऐड हो गया। ऐसे आपका कोई फेसबुक पेज है तो आपको उस फेसबुक पेज का यहाँ पे ऐड करना है, तो फेसबुक पेज के भी यूज़र नेम आपको यहाँ पे ऐसे ही डाल देना है। जैसे मेरा ये जो फेसबुक पेज है जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डाल के। ये आप देख सकते हैं मैंने यूज़र नेम लिख दिया Vikas31Tech, चैनल के नाम से ही बनाया हुआ है मैंने। एंटर करूँगा तो ये डायरेक्ट खुल गया मेरा पेज। इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल में यहाँ पे इस तरीके से कई सारे लिंक ऐड कर सकते हैं। इसे यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था। इस तरीके से 3 लिंक आपने ऐड कर दिए और उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो ये आपके सेव हो जाएंगे। तो जब भी कोई, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपको कहाँ पे दिखाई देंगे अपने चैनल के अंदर। यहाँ से आपको व्यू चैनल पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाना है, ठीक है। अबाउट सेक्शन में आप नीचे यहाँ देख सकते हैं ये लिंक्स। तो कोई भी अगर आपकी वीडियो देखेगा और उसे अच्छी लगेगी तो उसके बाद वो आपके अबाउट सेक्शन में आके इन लिंक्स पे क्लिक करके डायरेक्ट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल में सोशल मीडिया लिंक्स को ऐड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।